Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel. Namaskar. आप में से ज़्यादातर लोग ये जानना चाह रहे थे कि 19 जून को जो राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें अब फाइनल स्थिति क्या बन रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और किन किन स्टेट में ये सीटें बची हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 19 जून को 24 सीटों पर फैसला होने जा रहा है और कायदे से इसमें से कहा जाए तो 24 में से 4 सीटों का फैसला हो भी चुका है, जो कि कर्नाटक की सीटें हैं। कर्नाटक में बीजेपी के दोनों प्रत्याशी इरन्ना भीमप्पा कदाबी और अशोक जस्ती ये निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और जेडीएस के टिकट पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा क्लियर कट चुन लिए गए हैं, यानी कि यहाँ का चुनाव अब खत्म हो गया। और कायदे से अब 3 स्टेट में चुनाव बचता है जहाँ पर चुनाव वोटिंग होगा, जैसे मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए, राजस्थान की 3 सीटों के लिए और गुजरात की 4 सीटों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो विधायकों की संख्याएं हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। तोड़फोड़ हो रही है, विधायक इस्तीफे दे रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं और टोटल स्ट्रेंथ विधानसभाओं की नीचे आ गई है, तो इसकी वजह से मामला यहाँ पर पेचीदा हो गया है। अब मैं आपको बताऊँ कि जिन 55 सीटों पर चुनाव 26 मार्च तक सम्पन्न हो जाना था उनमें से 37 पर तो प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन राज्यसभा में पहुँचे हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के और कई अन्य स्टेट्स के मैंने बारे में बताया था कि वहाँ के जो लोग हैं वो प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होकर आगे बढ़ चुके हैं और उनके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बताया था। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इनकी सीटों का फैसला हो चुका था मार्च में ही, लेकिन 26 मार्च को जब वोटिंग होना था इन बाकी सीटों के लिए, यानी कि 37 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे और अब 24 सीटों का फैसला 19 मार्च को जो होना था, यह अभी मार्च माह में जो होना था वो अब 19 जून को फैसला हो रहा है और उनमें से 4 का जो है कर्नाटक का फैसला तो हो भी चुका है। अब स्थिति ये बन रही है कि गुजरात में 3 प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हुए हैं और 4 सीटें हैं वहाँ पर और इसलिए वहाँ पर चुनाव दिलचस्प बना हुआ है। कांग्रेस के विधायक लगातार इस्तीफे दे रहे हैं, कांग्रेस की संख्या 65 विधायकों तक पहुँच गई है, तो उसकी स्थिति वहाँ पर ख़राब हो रही है। मध्य प्रदेश के बारे में हम वीडियो अलग से बना ही चुके हैं, वहाँ पर 22 कांग्रेस के MLA इस्तीफा दे चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक थे सारे विधायक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, शिवराज सिंह चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी राज्यसभा में नहीं पहुँचे हैं क्योंकि जब तक 3 सीटों का फैसला यहाँ पर नहीं हो जाएगा मध्य प्रदेश की, तब तक उनकी जीत तय नहीं मानी जाएगी। बीजेपी की 2 सीट यहाँ पक्की हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की और सुमेर सिंह सोलंकी की, और दिग्विजय सिंह कांग्रेस से जीतने तय माने जा रहे हैं। यहाँ पर इन 3 सीटों का फैसला यहाँ होना बाकी है क्योंकि यहाँ विधायकों की संख्या बड़ी अजीबोगरीब है, इसलिए यहाँ मतदान होगा। राजस्थान में 3 सीटें हैं, 4 प्रत्याशी हैं। कैसे? तो ये कांग्रेस ने KC वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया हुआ है, जबकि बीजेपी जो कि सिर्फ राजेंद्र गहलोत को ही जिताने की पोजीशन में थी, उसने ओमकार लखावत को भी प्रत्याशी बना दिया है और इसी वजह से यहाँ पर 19 जून को मतदान होगा। इसी तरीके से अगर टोटल स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो 19 जून के बाद टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से बीजेपी अपने 11 राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़ाने जा रही है और उसके टोटल राज्यसभा सांसद हो जाएंगे 86। कांग्रेस के 5 राज्यसभा सांसद इसमें बढ़ जाएंगे इस चुनाव में और उसकी टोटल संख्या हो जाएगी 44। तो यानी कि 19 जून को 18 में से 9 सीटें बीजेपी की पक्की हैं और इनमें गुजरात में 3, मध्य प्रदेश में 2 और एक एक राजस्थान और झारखंड मणिपुर में,
इनमें उनकी पक्की मानी जा रही हैं और कांग्रेस की राजस्थान में दो और एक एक मध्य प्रदेश और गुजरात में पक्की मानी जा रही हैं। कर्नाटक का जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो बीजेपी को मिल चुकी हैं, उनका फैसला हो चुका है। एक अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी को मिल सकती है और मिजोरम की जो एकमात्र सीट है वो मिजो नेशनल फ्रंट की मुट्ठी में जानी वहाँ पर तय मानी जा रही है। तो फिलहाल स्थिति यही है कि 19 जून के चुनाव के बाद बीजेपी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी राज्यसभा में, कुल उसकी संख्या हो जाएगी 86 और कांग्रेस लगातार जैसे कि कमज़ोर हो रही है वो 44 तक पहुंच जाएगी। अब स्थिति यही है कि 19 जून को जो वोटिंग होगी 24 सीटों की, उनमें से 4 कर्नाटक की फाइनल हो चुकी हैं, 20 के लिए मतदान होगा और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएंगी। इसके बारे में आगे हम आपसे बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।